In this problem, we are given the equation of SHM और आपसे पूछा गया है उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताइए जहां पर पार्टिकल की स्पीड 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि ड्यूरिंग SHM स्पीड कैसे मिलती है। स्पीड का सीधा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू ओमेगा कितना है, ओमेगा पाई है, ओमेगा है 10 पाई। सो 10 पाई पर सेकंड आपका ओमेगा हो गया मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दिस इम्प्लाइज 10 पाई से 50 पाई को डिवाइड किया आ गया आपका 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट 75। रूट 75 कितना हो जाएगा, 75 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 3, तो उसका रूट हो जाएगा 5 रूट 3 सेंटीमीटर। बट ये एक्स स्क्वायर इतना है तो x की वैल्यू सिर्फ 5 रूट 3 नहीं होगी बल्कि प्लस माइनस 5 रूट 3 होगी। तो x इज इक्वल टू प्लस 5 रूट 3 और माइनस 5 रूट 3, इन दोनों ही जगहों पर आपकी स्पीड कितनी है 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इसलिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो आपसे पूछा गया डिस्टेंस d, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 रूट 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है।